हेलो फ्रेंड, मैं नीलेश कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स एंसर एसएमसीसी में। आज हम कंटिन्यूटी का चौथा वीडियो लेकर आए हैं, पार्ट फोर, जिसमें हम बताने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन मापांक फलन के बारे में। मॉडुलस फंक्शन अर्थात मापांक फलन के बारे में बताने वाले हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे मापांक फलन को ऐसे मॉड, शॉर्ट में मॉड, इसको मॉड पढ़ते हैं। क्या इसको पढ़ते हैं? मॉड। अगर मॉड फाइव रहे, मॉड फाइव, तो इसका मान कितना होगा? पांच। माइनस फाइव भी रहेगा तो ये इसका मान कितना होगा? पांच। सात है तो सात, माइनस सात है तो इसका प्लस में हो जाएगा। यानी कि प्लस, हम मॉड हमेशा आउटपुट के रूप में पॉजिटिव मान देता है, हमेशा प्लस में देता है, माइनस में नहीं। माइनस में भी रहेगा उसको क्या करता है? प्लस करता है। तो ये कैसे करता है इसको पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है? हम लोग पढ़ रहे हैं मापांक फलन के बारे में। कौन फलन के बारे में? मापांक फलन। तो ये पीछे वीडियो में हम बता चुके हैं कि मापांक फलन अपने प्रांत में क्या होते हैं? संतत होते हैं। मापांक फलन अपने प्रांत में क्या होते हैं? संतत होते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि मापांक फलन के संतता की जांच किस पर की जाती है। जैसे मान लिया जाए कि एफ ऑफ एक्स बराबर दे दिया मोड एक्स, अब इसके संतता की जांच किस पॉइंट पर करेंगे? तो संतता की जांच उसी बिंदु पर की जाती है जो मोड के अंदर जो रहेगा ना उतना बराबर जीरो ले लेंगे। तो मोड के अंदर क्या है? एक्स। तो एक्स बराबर जीरो, तो एक्स का मान कितना मिला? जीरो। एक्स का मान कितना मिला? जीरो। तो इस फंक्शन के संतता की जांच किस पर की जाएगी? जीरो पर। अगर कोई कह दिया कि मोड एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस फाइव है, अब इसके संतता की जांच किस बिंदु पर करेगा? तब मोड के अंदर जे रहेगा उतना बराबर जीरो, तो एक्स माइनस फाइव बराबर क्या ले लेंगे? जीरो। तो इसलिए ये माइनस तो पड़ गया कितना? प्लस। तो एक्स का मान कितना आया? पांच। तो इस फलन एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस फाइव, चाहे मोड ऑफ एक्स माइनस फाइव का कंटिन्यूअस मतलब संतता की जांच करने के लिए एक्स बराबर पांच पर जांच करेंगे। एक्स बराबर कितना पर जांच करेंगे? पांच पर। अगर कोई कह दिया कि एफ ऑफ एक्स बराबर मोड थ्री एक्स माइनस टू है, इस फलन के संतता की जांच किस बिंदु पर करेंगे? तो मोड के अंदर कितना है? 3x माइनस टू। 3x माइनस टू बराबर क्या ले लेंगे? जीरो। 3x माइनस टू बराबर क्या लेंगे? जीरो। अब माइनस है ना तो बढ़िया के प्लस, गुणा तो बढ़िया के भागा, तो x बराबर आ जाएगा दो बटे तीन। अर्थात इस फलन के संतता की जांच कितना पर करेंगे? दो बटे तीन पर। दो बटे तीन पर, ठीक है? अगर कोई कह दिया कि एफ ऑफ एक्स बराबर मोड साइन एक्स है, मोड साइन एक्स, इसके संतता की जांच किस बिंदु पर करेंगे? तो मोड के अंदर। तो मोड के अंदर कितना है? साइन एक्स। तो मोड के अंदर जितना रहेगा उतना बराबर जीरो। अब इलेवेंथ क्लास में हम बता चुके हैं कि साइन थीटा बराबर जीरो, तो थीटा बराबर होता है एन पाई। साइन थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर कितना? एन पाई। अब एन के जगह पूर्णांक जीरो एक दो तीन चार, तो इसलिए एक्स बराबर कितना आएगा? जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, एक रखेंगे तो पाई होगा, दो रखेंगे तो टू पाई होगा, तीन रखेंगे तो थ्री पाई हो गया। तो ये सब पर जांच करेंगे, इस फलन के संतता की जांच, ये सब बिंदु किसी पर हम जांच कर सकते हैं, ठीक है? अगर अगर एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ ए, मतलब तीनों आपस में बराबर हो गया, तो उस कंडीशन में वह फंक्शन उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम लोग याद करेंगे, उस पॉइंट पर वह फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है? अब देखते हैं, हम लोग जांच करते हैं और जांच करके पता करते हैं कि आखिर मोड माइनस फाइव पल से काहे हो गया, अब प्लस में है तो ऊ का है प्लस हो जाता है, ठीक है? देखते हैं, समझते हैं। अब यहां पर मोड एक्स के संतता की जांच करेंगे। तो मोड एक्स है तो एक्स, मोड के अंदर कितना है? एक्स। तो एक्स बराबर जीरो, यानी कि इसके संतता की जांच जीरो पर होगा। कितना पर होगा?
जीरो पर, इसके संगतता की जांच हम कितना पर करेंगे, जीरो पर करेंगे। तो जीरो पर करने से पहले इसको हम तीन टर्म में तोड़ देते हैं, इसको तीन टर्म में तोड़ते हैं, ठीक है। अगर जीरो से बड़ा रहेगा एक्स के मान, जीरो से बड़ा रहेगा तो जीरो से, अगर एक्स का मान जीरो से बड़ा तो जीरो से बड़ा तो प्लस मिलेगा, अगर जीरो से छोटा रहा तो माइनस मिलेगा, अगर जीरो के बराबर रहा तो एक्स मिलेगा या तो जीरो मिलेगा। कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है ना? फिर समझते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स है, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, मोड एक्स है। अब इसको संगतता की जांच करने से पहले इसको तीन टर्म में तोड़ेंगे, जीरो से बड़ा, जीरो कहां से आया, मोड़वा है उकरा, उतना बराबर जीरो रख देंगे, तो जीरो मिला एक्स का मान। तो जीरो से बड़ा पर प्लस, जीरो से छोटा तो माइनस, जीरो के बराबर तो एक्स या जीरो। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, दो टर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं कि जीरो से बड़ा रहेगा, एक्स के मान जीरो से बड़ा रहे चाहे बराबर रहे हमको क्या मिल जाता है, एक्स। जीरो से बड़ा रहे या बराबर रहे हमको क्या मिलता है, एक्स। किंतु जब जीरो से छोटा रहता है तो हमको क्या मिलता है, माइनस एक्स। जीरो से बड़ा और बराबर रहेगा तो एक्स, और जीरो से छोटा रहने पर माइनस एक्स, ठीक है। बहुत सारी बोल ये लिखो चाहे लिखो, दोनों एक है, ठीक है। ऐसे जनरली हम ज्यादातर ये वाला यूज करेंगे, ये भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पर जांच करेंगे, देखते हैं जांच करके कैसे आखिर इसका संगतता की जांच की जाती है, एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स है, इसके संगतता की जांच कैसे होगा, ठीक है। तो हम बताए कि एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, मोड एक्स, कितना है मोड एक्स, इसको पहले तीन टर्म में तोड़ देंगे, तीन टर्म में तोड़ दिए, ठीक है। जीरो से अगर बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा, जीरो से बड़ा या बराबर तो हमको क्या मिलेगा, एक्स, मोड के अंदर वाला। अगर जीरो से छोटा रहा तो मोड के अंदर जो रहेगा वो आगे माइनस लगा देंगे, यानी कि जीरो से बड़ा और बराबर रहेगा तो एक्स, और जीरो से छोटा रहेगा तो माइनस एक्स। अब समझते हैं, इसे मान लिया जाए कि कोई कह दिया कि मोड पांच, मोड पांच का मान पांच होता है, और मोड माइनस पांच है तो एक और मान पांच हो जाता है, कोई से, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मोड फाइव है तो यहां पर सोचेंगे हम कि पांच जीरो से बड़ा है कि छोटा है, पांच जीरो से बड़ा है कि छोटा है। तो देख रहे हैं कि पांच जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा के कंडीशन में, जीरो से बड़ा के कंडीशन में एक्स मिलता है, जीरो से बड़ा के कंडीशन में एक्स मिलता है। अब एक्स के मान वही होगा जो मोड के अंदर है, तो मोड के अंदर कितना है, पांच, तो मोड एक्स का मान कितना हो गया, पांच। अब यही आ गया माइनस पांच, मोड माइनस फाइव, मोड माइनस फाइव, मोड माइनस फाइव। तो हम सोचे हैं कि माइनस पांच जीरो से बड़ा कि छोटा, तो माइनस पांच हम जान रहे हैं, हमें ज्ञात है, हमें मालूम है कि माइनस पांच जीरो से छोटा है, माइनस पांच जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा के कंडीशन में माइनस एक्स, माइनस एक्स, एक्स के, एक्स का मान वही होगा जो मोड के अंदर रहेगा, तो मोड के अंदर कितना है, माइनस पांच, माइनस माइनस हो गया। अब एक्स, तो एक्स के जगह, तो एक्स के जगह मोड वाला, मोड के अंदर वाला, तो कितना है, माइनस पांच, यहां पर लिख दिया माइनस पांच, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोडलस फंक्शन हमेशा धनात्मक मान देता है, उसका आउटपुट हमेशा धनात्मक मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके संगतता की जांच करते हैं, तो संगतता की जांच कितना पर होगा, जीरो पर। तो एक्स बराबर जीरो पर हम संगतता की जांच कर रहे हैं, एक्स बराबर जीरो पर संगतता की जांच कर रहे हैं, एक्स बराबर कितना पर, जीरो पर। तो संगतता की जांच करने के लिए हम तीन चीज निकालेंगे, एल एच एल, एल एच एल। तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में फोल्डर बनाया हुआ होगा कंटिन्यूटी बाय निलेश सर, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दे रहे हैं लिंक, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। एल एच एल बराबर हम पिछले वीडियो में बताए थे, एल एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव,
एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए, तो ए के मान वही होगा जिस पर जांच करेंगे। तो हम जांच कर रहे हैं कि इस पर जीरो पर, ए का मान वही होगा जिस पर हम संगतता की जांच करेंगे। तो हम किस पर जांच कर रहे हैं, जीरो पर। तो जहां ए है वहां पर जीरो रख लिए, जीरो माइनस। अब जीरो से छोटा पर फंक्शन, तो जीरो से छोटा, तो यहां देख रहे हैं कि एक्स है जीरो से बड़ा, एक्स हमको देखना है, हर एक कंडीशन में एक्स देखना है। तो एक्स जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा नहीं हमको चाहिए, जीरो से छोटा। तो जीरो से छोटा पर फंक्शन क्या है, माइनस एक्स है ना, एक्स दाने मुंह छोटा ही ना, एक्स दाने मुंह बड़ा तो बड़ा, एक्स दाने मुंह मतलब एक्स दाने मुंह खुला तो बड़ा, एक्स दाने मुंह बंद तो छोटा। एक्स मतलब एक्स जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा के कंडीशन में फंक्शन कितना है, माइनस एक्स। तो यहां पे लिख देंगे माइनस एक्स। अब जब लिमिट एग्जिस्ट करे, जब सीमा का अस्तित्व हो, तो लिमिट का मान रख देंगे। जब लिमिट का मान रखेंगे तो लिमिट का सिंबल हट जाता है, वहां से हट जाता है, ठीक है। तो इस सीमा का अस्तित्व हो रहा है, क्यों अस्तित्व हो रहा है, कि इसका मान रखने पर नीचे जीरो नहीं होगा, हर जीरो नहीं होगा, तो इसका अस्तित्व हो रहा है, तब अस्तित्व हो रहा है, तो इसका लिमिट का मान रखेंगे। तो जहां एक्स है वहां पर जीरो रखेंगे, तो माइनस एक्स के जगह जीरो, जब मनवा रख देंगे तो गायब हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। अब माइनस जीरो बोले तो कितना, जीरो। एल एच एल में हमको आ गया कितना, जीरो। अब निकालते हैं आर एच एल, आर एच एल, तो आर एच एल बराबर है लिमिट, आर एच एल बराबर सूत्र बता चुके हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, ए एक मान वही होगा जिस पर जांच कर रहे हैं, तो किस पर जांच कर रहे हैं, जीरो पर। तो यहां जीरो लिख दिए, जीरो प्लस, अब जीरो से बड़ा पर फलन, तो जीरो से बड़ा है ना, एक्स है ना जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा पर फलन क्या है, एक्स। तो यहां पर एफ ऑफ एक्स का जगह रख दिए एक्स। अब जहां एक्स है वहां पर जीरो रख देंगे, तो एक्स का जीरो रखेंगे तो जीरो आ गया। तो हमको आर एस एल भी आ गया जीरो। अब एफ ऑफ एक्स बराबर पर जीरो से बड़ा तो आर एच एल, जीरो से छोटा तो एल एच एल, जीरो के बराबर तो एफ ऑफ एक्स चाहे एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो के बराबर पर, जीरो के बराबर पर एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, अब जहां एक्स है वहां पर क्या रखेंगे, जीरो। एक्स के है जीरो, जीरो हो जाएगा। अब चूंकि देख रहे हैं कि तीनों बराबर है, चूंकि यहां पे लिखेंगे कि चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ जीरो, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ जीरो, इसलिए नीचे दिखाएंगे यहां पर लिख रहे हैं, इसलिए एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स, एक्स बराबर जीरो पर संतत होगा। एक्स बराबर जीरो का क्या होगा, संतत होगा। सिद्ध करने के लिए कहता है यहां पे लिखेंगे प्रूव्ड, एक्स बराबर जीरो पर क्या, संतत होगा मोड एक्स, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर इसको उतारना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगर कोई कह दे कि मोड एक्स माइनस फाइव के संतता की जांच करे, संतता बोले तो कॉन्टिन्यूअस होगा कि डिसकॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूटी में दो गो टर्म हमेशा यूज होगा, एक कॉन्टिन्यूअस और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस, संतत और दूसरा असंतत। तो यहां पर एफ ऑफ एक्स बराबर दे दिया एक्स माइनस फाइव, तब इसके संतता की इस पर जांच करेंगे, तो जी मोड के अंदर जे रहेगा उतना बराबर जीरो, एक्स माइनस फाइव बराबर जीरो, इसलिए एक्स बराबर का हो जाएगा पांच। तो पांचे पर हम जांच करेंगे, तब इसको पहले हम तोड़ देते हैं तीन टर्म में, इसको हम तोड़ रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं, हालांकि इसको नीचे लिखेंगे लेकिन यहां पर हम लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स बराबर, इसको हम तोड़ देंगे, तो जीरो था तो जीरो से बड़ा छोटा लिए थे, यहां पांच आया तो पांच से बड़ा। अगर एक्स के मान, एक्स के मान पांच से बड़ा रहे या बराबर है, एक्स के मान पांच से बड़ा या बराबर, तो मोड के अंदर वाला, तो मोड के अंदर कितना है एक्स माइनस पांच, मतलब एक्स जो मोड के अंदर रहेगा वही आ जाएगा। लेकिन अगर एक्स के मान पांच से छोटा रहे, तो ये मोड के अंदर जो रहेगा उसके आगे माइनस लग जाएगा,
तो मोड के अंदर में था x माइनस पांच, उसके आगे लगा दिए कितना माइनस, उसके आगे कितना लगा दिए माइनस लगा दिए। अब इसके समता की जांच करेंगे, कितना पर जांच करेंगे, x बराबर पांच पर, x बराबर पांच पर हम समता की जांच करेंगे। तो x बराबर पांच पर समता की जांच करने से पहले हम निकालेंगे LHL। तो LHL बराबर हम बताए हैं लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f of x, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f of x। अब a का मान वही होगा जिस पर जांच करेंगे, तो हम किस पर जांच कर रहे हैं, पांच पर, तो जहां ये है वहां पर पांच रख दिया माइनस, पांच माइनस यानी कि पांच से छोटा, तो पांच से छोटा, पांच से छोटा ये पांच से बड़ा है, x पांच से बड़ा है, तो पांच से छोटा पर ही है ना, पांच से छोटा पर, पांच से छोटा पर मतलब x मैंने मुंह बंद है, बंद है तो छोटा, तो पांच से छोटा पर हमको फलन कितना है माइनस x माइनस फाइव, माइनस x माइनस फाइव, ठीक है। अब जहां सीमा अस्तित्व हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट, जब लिमिट एग्जिस्ट करे तो उसका मान पुट करेंगे उसमें, तो जहां एक से वहां पर पांच रखेंगे, तो जब रखेंगे लिमिट का मान, जब रखेंगे तो इसका साइन हट जाएगा, तो माइनस, अब जहां एक से वहां पर पांच, एक्स का पांच, पांच माइनस पांच कैंसिल हो जाएगा, माइनस जीरो, माइनस जीरो, माइनस जीरो अर्थात कितना जीरो, हमको एल एच एल में आया जीरो, एल एच एल में आया कितना जीरो। अब निकालते हैं आर एच एल, आर एच एल, आर एच एल, तो आर एच एल बराबर हम सूत्र बताए हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए, तो एक जगह वही जिस पर जांच कर रहे हैं, हम किस पर जांच कर रहे हैं पांच पर, तो एक जगह पांच रखेंगे, प्लस पांच प्लस मतलब पांच से बड़ा, तो पांच से बड़ा पर फलन ही है, एक्स पांच से बड़ा है, जब x पांच से बड़ा है तो पांच से बड़ा पर फलन क्या है x माइनस फाइव, जब लिमिट एग्जिस्ट करे तो उसका मान पुट करेंगे, जब पुट करेंगे तो लिमिट का साइन हट जाएगा, तो जहां x है वहां पर पांच रखेंगे, तब पांच माइनस पांच, एक्स वाला जाएगा पांच, पांच माइनस पांच, तो पांच में से पांच जाएगा कितना जीरो, आर एच एल हमको कितना मिल गया जीरो। अब निकालते हैं एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स बराबर पर जीरो के बराबर, पांच के बराबर पर, तो पांच के बराबर पर, पांच के बराबर ही है, तो पांच के बराबर पर फलन कितना है एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव। अब जहां एक से वहां पर पांच रखेंगे, तो एक्स से पांच, तो पांच घटा पांच कट कुट के जीरो, एफ ऑफ फाइव कितना गया जीरो। नीचे लिखेंगे चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ फाइव, एफ ऑफ फाइव, चूंकि तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में क्या है बराबर है, इसलिए यहां पर लिख रहे हैं, जगह नहीं यहां पर लिख रहे हैं, इसलिए एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस फाइव एक्स बराबर पांच पर क्या होगा संतत होगा, एक्स बराबर पांच पर क्या होगा संतत होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों के पास पहुंच जाए, ठीक है। अगर यह वीडियो हद से ज्यादा अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट उन लोगों को भी मिले, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।